जय हिंद साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2024 की 44,228 पोस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिर्फ 11 डिवीजन का रिजल्ट आउट हुआ है, जबकि पूरे डिवीजन 23 हैं। तो बचे हुए डिवीजन का रिजल्ट कब रिलीज किया जाएगा, इसके लिए आप जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारी बात होगी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, और सेकेंड मेरिट लिस्ट के पहले जो आपका बचे हुए डिवीजन है उसका रिजल्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वो कब जारी होगा, और जो जारी होने वाली लिस्टें हैं जो बचे हुए डिवीजन हैं उसका कट ऑफ क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। ये बचे हुए स्टेट्स आप देख पा रहे हैं, जो जिसमें से कुछ स्टेट्स तो लो कट ऑफ स्टेट्स जाने जाते हैं और कुछ हाई कट ऑफ रेंज में आते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जिसमें अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की सेकेंड जो शिफ्ट है वो आने वाली है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डिफरेंस है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट अभी आउट हुई है उसमें पूरे स्टेट है ही नहीं, तो उसको आप सेकेंड मेरिट लिस्ट अभी मत कहिएगा, अभी तो फर्स्ट ही मेरिट लिस्ट पूरी नहीं हुई है ना। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट ये, और जो रिजल्ट जिनके डिवीजन में आ चुका है 11 स्टेट्स का, जिसका वीडियो मैंने अभी बनाया, वो अब सेकंड मेरिट लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं कि उनकी कब आने वाली। तो इन सभी बातों पर बात करने वाले हैं, और आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका अभी नहीं हुआ है हौसला मत हारिए। अगर आपके वो मार्जिन नंबर हैं तो आपको इंतजार करना होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक आपका सिलेक्शन होने की चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट्स क्लियर हो जाए। आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करें। मैं हूं इम्तियाज, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या जीडीएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उसे आप ओपन करके जल्द से जल्द देख लीजिए। तो जैसा भी मैंने बताया, इस वीडियो में हम लोग कई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट की लेटेस्ट अपडेट क्या है, कब तक आएगी। यहां पर दो चीजें आपको समझनी है, एक है सेकेंड मेरिट लिस्ट और दूसरी है फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड हाफ, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट का सेकेंड हाफ का मतलब ये हुआ कि 23 डिवीजन है टोटल, जिसमें से सिर्फ 11 डिवीजन की जो है कट ऑफ मेरिट लिस्ट पहले रिलीज की गई है 19 अगस्त को, अब आज हो गई है 22 अगस्त, अभी 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी भी सेकेंड हाफ या सेकेंड जो कट ऑफ बनता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का वो नहीं निकली हुई है। तो वो कब तक आनी है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको मैसेज ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई देने लगा होगा कि बहुत जल्द, वेरी सून, वेरी शॉर्टली ये लिस्ट आने वाली है। डेट क्या होगी, तो एक्सपेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको बहुत जल्द आपको 25 तारीख तक, 25 से 27 तारीख के बीच में आपको दिखाई दे जाएगी 100%, ठीक है। मतलब 25 के पहले भी हो सकता है, 24 से 27 के बीच में कभी भी आपको ये दिखाई दे सकती है, पहली बात। दूसरी बात अब आप जानना चाहते ये हैं कि सेकेंड जो मेरिट लिस्ट है, जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो 11 स्टेट्स का डिवीजन, 11 डिवीजन का रिजल्ट आउट हुआ है, तो अब वो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट का मतलब, अगर कट ऑफ उनका 92 तक रुका हुआ है किसी डिवीजन में, 93 तक रुक गया है, अगर 94-95 तक रुक गया है, तो अगर किसी के 94 हैं, 93 हैं, नीचे हैं 1%, तो अब वो वेट कर रहे हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा। अभी लगातार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे अलग अलग वीडियोज पर, तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट वहां 100% आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, ठीक है। तो वहां पर आपके चांसेस ब्राइट हैं, बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। पिछली बार की भर्ती से इस बार की भर्ती में बहुत डिफरेंसेस हैं, कई बार मैंने बताया, फिर से कह देता हूं, पिछली बार की भर्ती में गड़बड़ बहुत हुआ, वहां आपके नंबर ऑफ पोस्ट कम थी, 30,041 पोस्ट थी, फॉर्म 1,00,000 ज्यादा पड़ा हुआ था, और यहाँ पर तीनों चीजें अपोजिट हैं, यहाँ फॉर्म भी कम पड़ा हुआ है, गड़बड़ भी नहीं है और लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है फॉर्म डालने के लिए, कई इश्यूज हो सकते हैं उसमें, तो इस वजह से कट ऑफ कम जाएगा। इसके सबूत, इसके एविडेंसेस आपने देखा कल की मेरिट लिस्ट जो निकली है, लास्ट मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई उसमें,
क्या डायरेक्ट सिलेक्शन शुरू हुआ है पहले ही ओडिशा जैसे राज्यों में, जो कि हाई कट ऑफ रेंज पहले हुआ करते थे, डायरेक्ट 91-92 पर हुआ है। हाँ, ये कट ऑफ वेरी भी करती है, कुछ डिवीजन में आपको देखने को मिल रहा होगा कि 91-92 पर सिलेक्शन हो रहा है और कुछ पर देख रहा होगा कि 99-98 के नीचे उतर ही नहीं रही है। तो ये वेरी कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, सिर्फ आयोग जानता है, कोई और इसको बता ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये लगातार एनालिसिस जो हम लोग करते हैं उसमें आपको ये बताते हैं कि इस डिवीजन से अगर फॉर्म डाला जाए, इस स्टेट से डाला जाए, तो चांसेस ब्राइट होते हैं, जो कि बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार आपने समझा भी है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि अब तो फॉर्म भर चुके हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, ठीक है। तो ये दोनों बातें अपडेट मैंने आपको दे दी। सेकेंड मेरिट लिस्ट की अगर आप चाहते हैं कि कब तक आने वाली, वो मैं आपको बता दूं, तो इसमें लगेगा टाइम। क्यों? चूंकि अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो सेकेंड हाफ है वो तो निकला ही नहीं है, शॉर्टलिस्टिंग तो हुई नहीं है, तो उसमें कितना और समय लगेगा। तो इसमें समय लगेगा जब ये फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, फर्स्ट मेरिट का सेकेंड हाफ आ जाएगा, तो उसके कम से कम 4-5 दिन बाद। इसका मतलब टोटल डेज अगर इसमें हम देख लें तो इसमें आज से अगर मान लिया जाए तो आपको ये देखने को मिलने वाला है करीब करीब ये 30 तारीख तक, ठीक है। 28 से 30 अगस्त महीने के एंड तक, लास्ट मंथ तक आपको ये सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है, फिर से जो मेरिट लिस्ट निकली है, जैसे कि निकली थी कल नहीं याद हो ना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इसमें जो लिस्टें निकली थी उसमें दोबारा फिर से निकलेगी, ये गारंटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात हमने कर ली। अब आप जानना चाहते हैं कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाली है या फर्स्ट मेरिट लिस्ट का सेकेंड कट ऑफ आने जा रहा है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, तो वो आपके सामने है। आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, कोई मैं जो है आयोग का कोई अधिकारी नहीं हूं कि जो मैं आपको ये बताऊं ये हो जाएगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है। पिछले वीडियोस मेरा टैली करिए, मैंने बताया था कि ओडिशा में और दिल्ली में ज्यादा जाएगा, ओडिशा में कम जाएगा, वो सारी चीजें प्रूफ हुई हैं। मेरे कहने पर मत जाइए, वीडियोस देखिए, वहां पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत मिलने वाले हैं, उसको अवॉइड किया करिए, जो नेगेटिव कमेंट करे उसे अवॉइड करिए, उम्मीदें बना के रखिए, हर चीज उम्मीद पर है। अब ये बचे हुए स्टेट्स हैं जिसकी आपको कट ऑफ बहुत जल्द, कल के बाद कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें उम्मीदें आपकी क्या हैं, क्या उम्मीदें आप इसमें रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन इसमें होने के क्या चांसेस हैं। सच और ये हकीकत ये है कि जीडीएस में हाई कट ऑफ वालों का सिलेक्शन ही होता है। अगर किसी का कम कट ऑफ है तो वो स्पेशल डिवीजन में, जब जब मैं लिखूं 60%, 70%, 80%, तो मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं, ये सच भी है, लेकिन ये पूरी तरह से उतना सच नहीं है जितना कोई भी समझ लेता है। कैसे? अगर मैं लिख रहा हूं या कोई लिख रहा है 60%, 70%, तो वो स्पेशल डिवीजन की शायद बात कर रहा होगा, बाकी अगर कोई गलत लिख रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। मैंने आपको कई बार प्रूफ दिए हैं कि यहां से फॉर्म डालिए, यहां चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, जैसे बिहार है, बिहार एक एवरेज स्टेट माना जाता है, कभी इसमें हाई कट ऑफ जली जाती है और कभी इसमें एवरेज कट ऑफ जाती है, लेकिन लो कट ऑफ कभी नहीं जाती, याद रखिएगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि 100 से कट ऑफ जनरल कैटेगरी का शुरू होगा और ये बहुत हद है 95 तक गिरे, फिर भी मैंने 95 लिया हुआ है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो इक्वल रहने वाला है, बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखाई देगा, 1-8% का होगा तो होगा 100 से 94%, ठीक है। 100 से शुरू होगी सिलेक्शन, 94 तक रुकेंगे यहां पर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 से यहां पर 1% और नीचे ले लीजिए, 93-94 तक यहां पर भी सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के हो जाएंगे। एससी की बात करें तो एससी में यहां पर आपको दिखने को चेंज मिलेगा, 100 से 92-91 पर यहां पर सिलेक्शन हो सकते हैं। एसटी की बात करें तो 100 से 90 के बीच में, पीडब्ल्यूडी की बात करें बिहार में तो 100 से 85% वालों के सिलेक्शन आप गारंटी श्योर मानिए, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और वेरी हो सकती है, देखने को मिलेगा, मान लीजिए कुछ डिवीजन ऐसे होंगे जहां पर 100 से 98 के नीचे को जनरल उतरे ना, कुछ डिवीजन ऐसे होंगे जहां पर 100 से 88 का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैंने एक एवरेज लिया हुआ है, समझ में आ रही बात। अब आगे आइए छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ हाई कट ऑफ रेंज हमेशा रहता है, इस बार भी रहने वाला है, 100% से लेकर 98% वालों के बीच में सिलेक्शन होने वाले हैं जनरल कैटेगरी का, 100 से 97-98 के बीच में ओबीसी वालों का सिलेक्शन होगा और 100 से 96 के बीच में ईडब्ल्यूएस वालों का, 100 से 95 के बीच में एससी, 100 से 94 के बीच में एसटी और 100 से 88% के बीच में जो नंबर हैं जिनके, वो पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन होगा।
हिमाचल प्रदेश वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड टफेस्ट एंड द हाई कट ऑफ गिवन स्टेट में शामिल है ये, तो इसमें आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत करिए। 100 से 99% के बीच वालों का सिलेक्शन होगा। अच्छा, ऐसा क्यों भी है, एक कारण ये भी है क्योंकि ये हिली एरिया है और दूसरा हिली एरियाज अक्सर महंगे होते हैं, तो आपकी सैलरी इतनी नहीं है, 12 से 15 हज़ार की स्टार्टिंग है, 16 हज़ार स्टार्टिंग हो रही है आपकी, 15 हज़ार के आसपास है, तो वहाँ क्या खाएंगे, क्या मैनेज करेंगे, क्या किराया वगैरह देंगे, ठीक है। तो इसलिए लोग जो है इस तरह के एरियाज में जॉब करना कम पसंद करते हैं, तो वहाँ होना तो चाहिए था कट ऑफ कम, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्टेट छोटा स्टेट है, वैकेंसी भी कम निकलती है, तो ये कई फैक्टर हैं। यहाँ पर बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में, तो भाई 100 से 99 के बीच में सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है आपका। 100 से 99 के आसपास ओबीसी ही, 100 से 98 के आसपास ईडब्ल्यूएस, 100 से 99 के आसपास एससी, 100 से 96 के आसपास एसटी और 100 से 92 के आसपास पीडब्ल्यूडी देखने को आपको मिल सकता है। बात करिए अगर अगला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक बिहार जैसा मिलता जुलता स्टेट है, लेकिन बिहार से थोड़ा यहाँ पर कट ऑफ कम जाता है, चूंकि हर कोई पसंद नहीं करता जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में जहाँ पर टेंशन हमेशा बनी रहती है, इस वजह से कट ऑफ यहाँ पर कम जाता है। और वहां चूंकि बिजनेस ज्यादा है, लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा कम इंटरेस्ट देते हैं, तो ये भी एक कई कारण है। यहाँ पर कश्मीर की बात करें तो 100 से 96% के बीच में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं यहाँ पर। देखिए बिल्कुल मिलता जुलता है बिहार से, 1-8% का फर्क यहाँ पर आपको बिहार से कंपैरेटिवली देखने को मिल सकता है। 100 से 97 के बीच में करीब ओबीसी भी यहाँ पर मिलेगा, सॉरी 100 से 95 के बीच में ओबीसी मिलने वाला है आपको यहाँ पर, और 100 से 94 के बीच में सिलेक्शन होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, 100 से 93 के बीच में एससी, 100 से 91 बीच में एसटी और 100 से 88 के बीच में यहाँ पर पीडब्ल्यूडी आपको यहाँ पर सिलेक्शन होते दिखाई देंगे। झारखंड जो है वो अबव द एवरेज यहाँ पर कट ऑफ देने वाला स्टेट है, आप छत्तीसगढ़ के इक्विवेलेंट इसको थोड़ा सा मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ से कम, बिहार से ज्यादा, छत्तीसगढ़ से कम। तो झारखंड में 100 से 97% के बीच में जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन यहाँ पर होने के फुल चांसेस हैं, और यही कट ऑफ के आसपास कुछ रहने वाला है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी। लेकिन एससी एसटी की बात करें तो 95 और 93% के आसपास आपके नंबर हैं तो भी सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, और पीडब्ल्यूडी है तो 90 के आसपास आपका अगर परसेंटेज है तो सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस है। मध्य प्रदेश थोड़ा इजी पड़ता है स्टेट, जिसमें से आपको नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चूंकि हाई यहाँ पर मतलब वैकेंसीज भी ज्यादा निकलती हैं। तो ये मान के चलिए आप 100 से 95% वालों के बीच में सिलेक्शन यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी में हो जाएगा, और लगभग ओबीसी का भी यही 94-95% आसपास रहने वाला है मध्य प्रदेश में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 से 94% के बीच में सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस हैं, जबकि अगर हम एससी की बात करें तो 100 से 93 के बीच वाले यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं, एसटी 100 से 91 और जो पीडब्ल्यूडी है 100 से 88% के बीच में यहाँ पर सिलेक्शन आपको मिलता दिखाई देगा। इसमें सभी में से सबसे इजी जॉब गेटिंग जो स्टेट है उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर मिलकर बनता है, इसमें कई अलग अलग स्टेट्स आते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह के नागालैंड वगैरह, तो इस सबको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, तो मैंने भी नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है आपके वेबसाइट में भी, इसको नॉर्थ ईस्ट का बुलाते हैं। तो अगर अलग अलग आप स्टेट पूछना चाह रहे हैं तो मत पूछिएगा, डायरेक्ट आप जो है नॉर्थ ईस्ट के नाम से पूछिएगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ ज्यादा है, कहीं पर बिल्कुल कम है, कहीं एवरेज है। तो एवरेज मैंने जो ओवरऑल एक एवरेज लिख दिया यहाँ पर, लगभग 100 से 93% जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होने के फुल चांस है, 100 से 92 के बीच में यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, 100 से 91, एससी का 100 से 90 और एसटी का 100 से 88 और 100 से 84 के बीच में पीडब्ल्यूडी सिलेक्शन पा सकता है। राजस्थान यहाँ पर बात करें तो जो नॉर्दर्न इलाके हैं उसमें सबसे इजी पड़ने वाला स्टेट है, जहाँ पर मध्य प्रदेश से भी कम कट ऑफ जाने के फुल चांसेस हमेशा बने रहते हैं। तो बात करें 100 से 93 के बीच में यहाँ पर आपको सिलेक्शन देखने को मिल सकता है राजस्थान में जनरल का, और 100 से 92 के बीच में ओबीसी, 100 से 91 के बीच में आपको ईडब्ल्यूएस यहाँ पर सिलेक्शन पाते दिखाई दे सकते हैं, वही 100 से 90 के बीच में एससी, 100 से 90-88 के बीच में एसटी और 100 से 86 के बीच में यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कलेक्शन पाता दिखाई दे सकता है। अब जो बारी आने वाली है जो स्टेट्स की, वो भाई हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप बहुत बड़ी कोई उम्मीद मत ही करिएगा, तो है करिश्मा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। उनके नाम है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, लगभग सिमिलर रहने वाले हैं, बहुत बड़ा कोई फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। 100 से 96-97 के बीच में आपको जनरल कैटेगरी सिलेक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर लगभग हर एक डिवीजन में, है ना।
हर एक सर्किल में। बात करें अगर 100 से 95 के बीच में ओबीसी, 100 से 95 94 के बीच में ईडब्ल्यूएस, 100 से 94 के बीच में एससी, 100 से 92 के बीच में एसटी और 100 से 88 के बीच में यहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड की तो पूछे मत, ये बिल्कुल उसी स्टेट्स में आता है जिसमें से जैसे झारखंड, पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, उसी में हाई कट ऑफ रेंज, बहुत हाई, 100 से 99 के बीच में यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है उत्तराखंड में, 100 से 98 के बीच में ओबीसी और 100 से 98 के बीच में ईडब्ल्यूएस, 100 से 97 के बीच में एससी, 100 से 95 के बीच में एसटी और 100 से 92% के बीच में यहाँ पर सिलेक्शन आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस मेरा इन सभी स्टेट्स के बारे में जो पिछली भर्तियों में मैंने देखा है। इसका ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कोई अपनी घर की बात नहीं बता रहा, आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं इसको। पीछे की जितने भी वैकेंसीज हैं 2022-23 की, उन सबको अगर पकड़ेंगे बैठकर, उसका एक डेटा तैयार करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो आपको ये कुछ देखने को मिलने वाला है। हाँ, इस बार कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, 1-2% ऊपर नीचे हो जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, मैं गलत हो जाऊँ, ऊपर ना जाए नीचे चला जाए, मैं चाहूँगा कि नीचे चला जाए, है ना, मैं गलत साबित हो जाऊँ। लेकिन कुछ स्टेट्स में शायद ऐसा बहुत मुमकिन नहीं होगा, जिसमें से यूपी और उत्तराखंड जैसे स्टेट्स हैं, बाकी की तो बात मत करिए, जैसे कि ये स्टेट्स हैं यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा, क्योंकि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मैं जानता हूँ, बस आप करते क्या हैं कि थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो इतना ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी पावर होती है, यही हमारी गुरु दक्षिणा होती है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, आप बस देखते जाइए और दुआएं, आशीर्वाद, प्यार देते जाइए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में जीडीएस से रिलेटेड, जो भी नई अपडेट आएगी आपको फौरन मिलेगी इस चैनल पर।